So I welcome you all in SPSmart Hybrid Schooling System. Today we are going with another poem, that is Father to Son. So the poem is written by Elizabeth Jennings. She is one of the great poet, and we are starting up with the very first stanza of the poem. The very first stanza says, "I do not understand this child. I do not understand this child. Though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed." So beta, जैसे कि title of the poem कहता है father to son, ये एक conversation है, ये जो बात है, ये stanza जो है, ये एक father कह रहा है. तो I here stands for a father. फादर क्या कह रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे अपने बच्चे की फीलिंग्स ही नहीं पता है, मुझे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, हम एक ही साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, और सालों से हम इसी घर में रह रहे हैं, बट मुझे अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है. टू ट्राई टू बिल्ड, मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं उसके साथ एक अच्छा रिलेशन, एक फादर और सन का रिलेशन जो है, एक हेल्दी रिलेशन जो है, उसे इस्टेब्लिश कर सकूँ. वैसा रिलेशन जो कि बचपन में था मेरा मेरे बच्चे के साथ, क्या मैंने ही उसे ख़त्म कर दिया है? आई हेयर अगेन मीन्स फादर. फादर कह रहा है कि ये जो मेरा और मेरे बेटे का रिलेशन था, येट आई हैव किल्ड, यानी मैं ही हूँ जिसने वो रिलेशन ख़त्म किया है. तो इसमें हमें ये पता चलता है बच्चे कि जब बचपन में फादर और सन का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मगर जैसे ही सन बड़ा होता है, एक बेटा बड़ा होता है, इट्स अ जनरल कंसेप्ट कि जब वो टीन में आता है और वो अपने फादर से दूर होता जाता है, देर इज़ सम डिस्ट्रैक्शन, राइट, दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस. तो यही चीज़ जो है वो फादर स्टैंजा वन में कह रहे हैं. इन नेक्स्ट स्टैंजा इट इज बींग रिटन, "The seed I spent or sown it where, the land is his and none of mine. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share." यहाँ पे अगेन जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उनका जो रिलेशन है उनके बेटे के साथ इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है. वो कह रहे हैं कि ये जो सीड है, यहाँ पे सीड किसको कहा गया है बच्चे, यहाँ पे सीड कहा गया है सन को, ठीक है. ये जो बीज है, ये जो बेटा है, ये मेरा है. सन किसका, ऑब्वियसली इट्स ए फादर सन, है ना, क्योंकि बायोलॉजिकल फादर हैं ये, राइट. The land is his, ये जो जगह है, ये जो घर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये भी मेरे बेटे का है. I ask you a question, अब it's a equality between son and daughter, बेटा बेटी एक समान है, मगर unfortunately father जब expire हो जाते हैं तो घर की सारी powers किसके पास आती है, जो भी father की wealth है वो किसके नाम पे होती है, वो बेटे के नाम पे होती है, right, and बेटी के नाम पे होती है, दोनों के नाम पे होती है. बट यहाँ पे टिपिकली बात की गई है, यहाँ पे फादर कह रहा है कि ये जो बीज है, ये जो सन है, ये मेरा है, जो ये घर है जहाँ पे हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, वो भी इसकी है, नन ऑफ माइन, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो चला जाऊँगा. दैट मीन्स कि आई एम गोइंग टू डाई वन डे, मैं इतना एक दिन मर जाऊँगा, मगर पीछे से मेरा बेटा ये सब संभालेगा. मगर फिर भी हम किस तरह से बात करते हैं, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं. देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, इसका मतलब है कि हमारे बीच में किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना मेरा बेटा मुझे अंडरस्टैंड करता है, ना मैं अपने बेटे को अंडरस्टैंड करता हूँ. दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, मतलब कि जो मेरे बच्चे के अंदर फीचर्स हैं वो मेरे हैं. अब कोई कहता है ना कि यार ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो मम्मा की तरह दिखती है, इसके ना इसके नाक पापा जैसा है, इसके इसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल अपनी मम्मा पे गए हैं,
तो हम अपने पेरेंट्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे फादर कहता है ये जो बच्चा है ये मेरा डिज़ाइन है, मेरा डिज़ाइन मतलब कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं, ठीक है, फिजिकल फीचर्स जो हैं वो मेरे जैसे हैं, येट वॉट ही लव आई कैन नॉट शेयर, मगर उसे क्या पसंद है वो मुझे आज तक नहीं पता है। मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकता कि मेरा बेटा क्या लाइक करता है क्या डिसलाइक करता है। क्लियर है बच्चे? ओके, यस सर कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा। इन नेक्स्ट स्टेंजा इट इज बीइंग सेड साइलेंस अराउंड्स अस, सर इट इज बीइंग रिटन साइलेंस अराउंड्स अस। हमें मतलब कि हमारे बीच में इतनी दूरियां आ चुकी हैं, इतने फासले हैं कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, और 24 घंटे जितना भी टाइम हमारा घर में रहता है, हमारे घर में एक साइलेंस बना रहता है, एक अजीब सी शांति है। क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन ही नहीं होती। किसकी कम्युनिकेशन नहीं होती बेटा? फादर और सन के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती। आई वुड हैव इन प्रोडिकल, प्रोडिकल यहाँ पे क्या मतलब होता है? खर्चालू, एक ऐसा इंसान जो ज्यादा खर्चा करता है, जिसके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आए कौन है? फादर। फादर क्या कह रहे हैं? फादर कह रहे हैं आई वुड हैव हिम प्रोडिकल, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा खर्चालू करे, वो अननेसेसरी स्पेंडिंग्स करे, वो खर्चा करे, बट रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, मगर अपने बाप के घर जो है वो वापस आ जाए। इसका मतलब जो बच्चा अब है, इसका जो चाइल्ड है, जो कि पहले एक घर में रहते थे, अब ये दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। इट्स ए कंसेप्ट नाउ डेज बच्चे, ज्वाइंट फैमिलीज आर गेटिंग कन्वर्टेड इन टू दी न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आया है बच्चे, कि जो फादर और सन एक ही घर पे रहते थे, अब सन ने दूसरा घर ले लिया है। इसलिए फादर कह रहे हैं कि अब साइलेंस है, एक अजीब सा सन्नाटा है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो है वो प्रोडिकल हो, मतलब वो खर्चालू हो, बट मेरे घर वापस आ जाए, अपने बाप के घर वापस आ जाए। द होम ही न्यू, वो घर जिसे वो जानता है, वो घर जो उसी का है, रादर देन सींग हिम मेकिंग एंड मूव हिज वर्ल्ड। मैं नहीं चाहता कि वो अपना नया घर बसाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं भी उसे माफ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो ए न्यू लव, जितना भी दुख है, मे बी फादर और सन के बीच में कोई बात हुई हो, जो भी उसे फादर को दुख मिला है अपने सन से, उसे वो माफ करने के लिए तैयार है, और वो चाहता है कि मैं सभी दुख बुला के, सभी सॉरो को बुला के अपना रिलेशन जो है वो दोबारा अच्छा बनाऊंगा, और अपने बेटे से बहुत प्यार करूंगा। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इन नेक्स्ट स्टैंजा इट इज बीइंग रिटन फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ व्हाई माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। ग्रीफ का क्या मतलब होता है? सैडनेस, ठीक है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चे? ही को अंडरलाइन कीजिए, ही यूज हुआ है सन के लिए, ठीक है। अब फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, यहाँ पे कहते हैं कि फादर और सन हम दोनों को साथ में रहना चाहिए, ऑन द सेम ग्लोब। सेम ग्लोब का मतलब एक ही छत के नीचे, एक ही घर में, इन्हें कॉमन हाउस, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे। ही स्पीक्स, ही का मतलब है अब सन रिप्लाई कह रहा है, ये कह रहा है, सन कहता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ ही नहीं आता माई सेल्फ, मैं अपने आप को जान नहीं पाता, मैं अपने आप को समझ नहीं पाता कि मेरा गुस्सा जो है वो क्यों इतना ज्यादा सैडनेस से भर जाता है, यानी मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है उस दुख से जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। क्या पता ये दुख उसे उसके डैड से मिला हो, इट इज नॉट मैंशन, बट ये कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाता कि मेरा गुस्सा इतना ज्यादा क्यों हो जाता है उस दुख से। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड का मतलब होता है वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, ये कह रहा है कि मेरे फादर भी मुझे माफ करना चाहते हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू फॉरगिव माई फादर सो डैट वी कैन लिव हैप्पीली, बट नथिंग इज हैपनिंग, मगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दोनों फादर सन एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार हैं, मगर ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं जाएगा, ये सारे एफर्ट जो हैं ये वेन में जाएंगे। वेन का क्या मतलब होता है? व्यर्थ जाएंगे, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो बच्चे, दिस वॉज द पोम फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स।